हम देखने जा रहे हैं सिंगोरी, जो कि टिहरी जिले की प्रसिद्ध मिठाई है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, कि वो कैसे बनती है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए। रॉबिन जी के पास आया हूँ, जिनकी दुकान बराड़ी में है और इनके पास सिंगोरी टिहरी की प्रसिद्ध मिठाई बनती है। आगे ये बताएंगे कि सिंगोरी कैसे बनती है और इनकी दुकान कब से है। ये जब हमारे दादाजी थे, ये पुरान टिहरी में उनकी शॉप थी, तो ये अपने हाथ से खुद से गांव का मावा आता था, वहीं पे बनाते थे। ये जो चौहान स्वीट शॉप की है, ये बड़ी फेमस मिठाई है, ये हमारे सिंगोरी की। ये अब जो ओरिजिन चल रहा है, ये अब मेरे पिताजी चलाते हैं इस शॉप को, मैं भी उनकी मदद करता हूँ, श्री राजपाल सिंह चौहान जी, जो ये बोराड़ी में नियर गणेश चौक में है, ये भरत मंगलम के पास में एकदम जस्ट उसी पे ही है हमारी शॉप। तो जो ये गांव का मावा आता है, उससे हम ये बनाते हैं, नीचे का मावा नहीं लेते हम। ये रगड़ पिपोला गांव वाले रेगुलरली, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ही आते रहते हैं, तो हम उनसे मावा लेते हैं, एकदम प्योर गांव के मावे से बनती है ये सिंगोरी। मतलब बहुत जगह बाहर जा रही है हमारी, बाहर बाहर कंट्री में भी ले जाते हैं लोग, स्पेशली पूरे टिहरी में यहीं से ही ले जाते हैं। तो अभी भैया अभी क्या क्या कर दिया आपने? अभी इसमें सबसे पहले तो हमने से मावा डाला, जैसे मावा की गुठली बन के आती है गांव से, उसको इसमें गलाने के लिए डालते हैं। उसके बाद हम इसमें शुगर डालते हैं, उसके बाद हम शुगर डालने के बाद इसको घोट के हल्का सा दूध डाल के इसको घोटाई करने पर हम इसको जब पतला हो जाता, पतला होने के बाद गाढ़ा होता था, उसके बाद ब्राउन होता है। ब्राउन होने के बाद हम इसे नीचे उतार के ठंडा करने पर मालू के पत्ते को फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद जब मालू का पत्ता अंदर इसको डालते हैं चम्मच से भर के, तब उसके बाद उसको एक खांचा होता है उसका, उसके अंदर डाल के भरा जाता है, उसके बाद उसकी सजावटी वगैरह जो होते हैं दुकान में लगाया जाता है। ब्राउन हो चुकी है पर ये ठंडा होने के लिए रखी गई है, तो जरा देर ये ठंडी होगी, उसके बाद इसको पत्तों में भरना स्टार्ट करेंगे भैया लोग, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इसके अंदर भैया लोग तोड़ के लाए हैं पत्ते, जो कि खूब सारे हैं, आप देख सकते हैं। वही पत्ता है जो मैं आपको मनीषा देवी पे दिखा रहा था, मालू का पत्ता, और इसको भैया लोग ऐसे आकार देते हैं। भैया किस, अच्छा सीख है ना, ये सीख है। भैया आप बताना जरा कि मतलब इसको मालू के पत्तों पे ही क्यों लपेटते हैं? मालू के पत्ते पे इसलिए लपेटे जाता है, एक दिन खराब होता। सबसे पहले हमारा जो मालू का पत्ता गढ़वाल का है, इस मालू के पत्ते में डालने से इसका स्वाद आता है। अच्छा, इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बनता है मालू के पत्ते में डालने। फिर एक हफ्ते तक मालू के पत्ते के अंदर अगर ये सुंगूरी रह गई खराब नहीं होंगी, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब इसको आप आधे घंटे तक ऐसे रखेंगे? आधा घंटे, एक घंटे बाद एक जमने पे, एक कड़क होने पे अपने जगह सही देगी। उसके बाद अगर कोई कस्टमर इसे ले जाएगा वो टाइट बन जाएगा, अगर इसे गरम गरम देने पर इसे डब्बे में पिघल के नीचे गिरेगी।
मैं तो ले रहा हूँ सिंगोरी के मजे। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।